हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं चंदन और आज के वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड का बिजली बिल कैसे जमा कर सकते हैं, साथ ही अपना बिजली बिल अपने मोबाइल से ही कैसे देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं और बिजली बिल कैसे जमा कर सकते हैं, इस चीज़ के बारे में। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखें, सब्सक्राइब कीजिए हमारे हेल्प सीरीज चैनल को और दबाइए इस घंटी को ताकि लेटेस्ट वीडियो आप सबसे पहले पा सकें। जी हाँ फ्रेंड्स, यदि आप अपने मोबाइल से किसी के भी बिजली बिल को डाउनलोड करना चाहते हैं या फिर बिजली बिल पे करना चाहते हैं तो आपको आना होगा इस वेबसाइट पे। इस वेबसाइट का लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां से आसानी से इस वेबसाइट पे आ सकते हैं या फिर आप अपने ब्राउजर में टाइप करना है nbpdcl.co.in। जैसे ही टाइप करेंगे और सर्च करेंगे तो आप इस साइट पे आ जाएंगे। यहाँ पे दो बॉक्स मिलेगा, एक बॉल बॉक्स में उपभोक्ता संख्या यानी कंज्यूमर आईडी इंटर करके सबमिट पर क्लिक करेंगे तो आपका बिजली बिल दर्शाया जाएगा, जबकि एक बॉक्स में अपने पुराने कंज्यूमर आईडी प्रेस करेंगे यानी इंटर करेंगे तो यहाँ से आपको नए कंज्यूमर आईडी मिल जाएगा और यहाँ नए कंज्यूमर आईडी डाल के सबमिट करके अपना बिजली बिल निकाल सकते हैं। पहले पुराने कंज्यूमर आईडी से ही बिजली बिल निकल जाता था, परंतु अब नए कंज्यूमर आईडी से बिजली बिल निकलता है। तो चलिए सबसे पहले हम पुराने कंज्यूमर आईडी से नए कंज्यूमर आईडी निकाल लेते हैं ताकि हम बिजली बिल पे कर सकें। साथ ही ऊपर में आपको दो ऑप्शन मिलेगा, एक शहरी क्षेत्र के लिए, एक ग्रामीण क्षेत्र के लिए ऑप्शन। तो यदि आप ग्रामीण क्षेत्र से है तो सर्च रूरल कंज्यूमर पर क्लिक करें, यदि आप शहरी क्षेत्र से है तो सर्च अर्बन कंज्यूमर पर क्लिक करें। चूंकि हम ग्रामीण कंज्यूमर है तो हम सर्च रूरल कंज्यूमर पर क्लिक करेंगे और जिस भी डिवीजन से आप हो उस डिवीजन यहां से सिलेक्ट कर लें। हम कटिहार डिवीजन से हैं तो हम यहां पर कटिहार सिलेक्ट कर लेंगे और यहां पे सब डिवीजन आ जाता है। सब डिवीजन में यदि आप अपने डिवीजन के ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं तो जो नाम है उसके बगल में आर दे के घिरा हुआ होगा, उस पर क्लिक करें। यदि शहरी क्षेत्र से है तो यू वाले पर क्लिक करें। चूंकि हम ग्रामीण क्षेत्र से है तो हम यहाँ आर वाले पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप अपना ओल्ड कंज्यूमर आईडी इंटर करें, जो कि अंग्रेजी के कैपिटल लेटर और कुछ डिजिट मिला के होता है, जो मेरा है। यहाँ इंटर करेंगे और यहाँ सर्च बटन पर क्लिक करेंगे। सर्च बटन पर क्लिक करने के साथ यहाँ लाल रंग से हमारा कंज्यूमर आईडी यहाँ दिखाई देता है, इसे हम क्या करेंगे, कॉपी कर लेंगे और यहाँ पे उपभोक्ता संख्या यानी कंज्यूमर आईडी पर लाके इसे पेस्ट कर देंगे और यहाँ सबमिट बटन पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे हमारा बिल यहाँ पर दर्शाया जाता है। यहाँ CA नंबर, कंज्यूमर नाम, बिजली मंथ, किस मंथ का बिजली बिल जमा करना है, ड्यू डेट, कितना रुपया पे करना है, इस चीज के बारे में टोटल जानकारी यहाँ दिया जाता है। साथ ही यदि आप बिजली बिल को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर व्यू बिल पर क्लिक करना होगा। व्यू बिल पर जैसे ही क्लिक करते हैं नीचे आपका बिजली बिल डाउनलोड होगा। आप देख रहे हैं यहाँ बिजली बिल हमारा डाउनलोड हो गया है। इसे ओपन करने के लिए इस पर आप यदि क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपका बिजली बिल देखिए डाउनलोड हो चुका है। साथ ही यदि आप बिजली बिल पे करना चाहते हैं तो पे बिल पर क्लिक कर सकते हैं। जैसे ही पे बिल पर क्लिक करेंगे नीचे आपका अमाउंट आ जाएगा, टोटल अमाउंट यहाँ पे आ जाएगा। आप अपना ईमेल आईडी जो है यहाँ इंटर कर दे और अपना मोबाइल नंबर यहाँ इंटर कर दे। आप पे कैसे करना चाहते हैं इसके लिए यहाँ तीन ऑप्शन दिया गया है, एक बिल डेक्स, एक पेयू और एक HDFC PG। तो आप यहाँ पेयू पर क्लिक करेंगे तो आपको एक्स्ट्रा पैसा चार्ज नहीं कटेगा। आप पेयू पर क्लिक करें और कंफर्म पेमेंट पर क्लिक करके आप अपना पेमेंट पूरा कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार आप आसानी से अपना बिजली बिल खुद ही जमा कर सकते हैं। आप हर महीना अपना बिजली बिल जमा कर दें ताकि आपको बिजली बिल में होने वाली गड़बड़ियों से छुटकारा मिल सके। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स।